Hi everyone, welcome back to my channel guys. My name is Imani and you are watching First Comes My Baby. This video is going to be very special video क्योंकि अभी हमारा हाल ही में रक्षाबंधन त्यौहार आने वाला है. 15th अगस्त को रक्षाबंधन है. इससे रिलेटेड मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये वाला जो रक्षाबंधन है 2019 का और इसके बाद जितने भी आने वाले रक्षाबंधन है उसको आप कैसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो रक्षाबंधन होता है, थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ, ठीक है. जो रक्षाबंधन होता है ये पूर्णिमा को मनाया जाता है. पूर्णिमा मीन्स होता है फुल मून डे पे मनाया जाता है, जब पूरा चांद निकलता है श्रवण मास में. इसका भी एक हिस्ट्री है बट उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. मैं इस वाली वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती, मेन टॉपिक पे आना चाहती हूँ. तो बस आपको इतना बता दूंगी, फुल मून डे पे पूर्णिमा में मनाया जाता है. श्रवण मास मतलब होता है सावन का महीना. तारस जो अगस्त अभी चल रहा है उसको मनाया जाता है. और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल ये इसलिए क्योंकि ये भाई बहन के रिश्तों को मजबूती देता है, उसको स्पेशल बनाता है. और वैसे भी आप सबको पता है इंडियन कल्चर्स में रिलेशनशिप को, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उसको कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है. हर रिलेशनशिप का एक अलग से ही, हमारे इंडियन कल्चर में एक अलग से ही महत्व है. करवा चौथ हो गया पतियों के लिए, हो गया होई अष्टमी, हो गया बेटों के लिए, हो गया तीज बेटियों के लिए, हो गया एंड अब ये रक्षाबंधन जो कि होता है भाई बहन का त्यौहार. और फॉरेन में इतना ज़्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप को नहीं चैरिश करते हैं बट इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा पुरानी सदियों से ही चला आ रहा है. इंद्रदेव हो गई, सांची हो गए, सांची उनकी वाइफ है इंद्रदेव की, तो इन सब के टाइम से, गॉड गॉडेसेस के टाइम से, देन हुमायूं एंड अलेक्जेंडर पोरस के टाइम से भी रक्षाबंधन जो है वो टाइम द नॉट फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द बॉन्डिंग पहले से ही चला आ रहा है. उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं. और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अपने इस जो राखी है या जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है उसको कैसे स्पेशल बनाए ताकि हमेशा पूरा साल थ्रू आउट द ईयर आपको याद रहे कि हमने स्पेशल कितना किया था, हमने रक्षाबंधन ऐसे मनाई थी, हमने ऐसे मनाई थी. आप उस रक्षाबंधन को पूरे साल चेरिश कर सके, मेमोरीज में आपके बिल्कुल छप जाए. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि आफ्टर मैरिज भी ऐसा होता है कि, या फिर पढ़ाई के लिए बहन दूर है भाई से, भाई दूर है बहन से, और सिर्फ एक रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार होता है जिसमें आप लोग साथ में बैठ पाते हो, मिल पाते हो. कई भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी बहनें दूर होती हैं, जैसे कोई इवन फॉरेन में होती है वो नहीं आ पाती, बट थ्रू द वीडियो कॉलिंग आप ऐसा कर सकते हो. अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि अपना जो इनवैल्यूएबल टाइम है वो आपस में बिताओ. को टिप होगा वो यही होगा कि गिव योर इनवैल्यूएबल टाइम टू योर ब्रदर या सिस्टर. बहन के लिए भी सेम ऐसा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई आएंगे घर पे, बहन भी जा सकती हैं भाइयों के घर पे और उनके साथ बहुत अच्छे से रक्षाबंधन बना सकती हैं. भाई आ सकते हैं बहन के घर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप लोग एक दूसरे के घर जाओ, पहले ही प्लानिंग कर लो सारी कि इस बार मैं आऊँगा, भाई तुझ पे तो माना. रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ बंद गया है कल्चर में कि बहन ही भाई के घर जाएगी या भाई ही बहन के घर रहेगा. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में, इस फेस्टिवल में. हर रिलेशनशिप में और हर फेस्टिवल में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेम गोज विद ब्रदर सिस्टर फेस्टिवल. ये जो रक्षाबंधन है आप लोग पहले से ही फ़ोन कॉल करके प्लानिंग कर लो कि कौन किसके घर आएगा, और जब आएगा ना तो तसल्ली से आए. अगर खूब सारी बहनें हैं तो एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, वाइफ है उसको भी जाना होता है, तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो कि आधे दिन हम लोग इस घर में रहेंगे, फिर आधे दिन हम लोग की वाइफ होगी उनको भी बांधना होगा अपने भाई को राखी, तो आधे दिन उनके घर जाओ. तो ऐसे करके कुछ इस तरह से करो कि कुछ समय आप अपने भाई बहनों के साथ दे सको. अब चलो आप लोग, ये तो डिसाइड हो गया कौन किसके घर आएगा इस रक्षाबंधन पे. अब नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है वो ये करना है कि प्लान आउट करो बाहर जाने का, साथ में रहने का. अगर आपको बाहर नहीं आप जा सकते हो किसी रीज़न की वजह से, या मन नहीं करता है, किसी को मन होता है कि चाय पी के बस बातें करते रहे, लंच साथ में करें, डिनर साथ में करें, तो ऑफकोर्स यू कैन डू दैट. बट जो बीच का समय है उसमें आप अपने बचपन के गेम्स खेल सकते हो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. बचपन में कितने हम लोग खेलते थे, मुझे आज भी याद है, हम लोग कैरम, लूडो, पिट्ठू स्टॉप मार के जो हम लोग गिराते थे, पत्थरों को गिराते थे. तो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो अपने भाई बहनों के साथ. उससे क्या होगा ना, आपकी सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाएंगी, जो बचपन में आप लोग करते थे वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा. उससे एक अलग ही बॉन्ड, उससे जो आप रूठते थे, मनाते थे, झगड़ा करते थे, वो फिर से वही चीज़ें चारिश होंगी. आपको इतनी सारी मेमोरीज आ जाएंगी ना दिमाग में कि आप एक उधर से किस्सा सुना रहे, एक उधर से किस्सा सुना रहे, तो ये हैप्पीएस्ट रक्षाबंधन बन जाएगा एक्चुअली. क्योंकि जब मेमोरीज होती है ना इतनी स्ट्रांग होती है, और ये जो आप जो बनाओगे ना आज रक्षाबंधन जो इस बार वाला अपने भाई बहन के साथ, ये आपको कई सदियों तक याद रहेगा. तो दाली में अगेन एंड अगेन टू मेक दिस रक्षाबंधन वेरी स्पेशल टू योर हार्ट.
आपकी बहन को भी याद रहे और आपको भी याद रहे। तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो अपने बहन के साथ, मॉल जा सकते हो, उसको पिक्चर दिखा सकते हो। 15 अगस्त पे वैसे भी मिशन मार्स रिलीज हो रही है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट, अगर चाहते हो पीसफुली घर पर रहना, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट एंड प्ले बोर्ड गेम्स। बहुत सारे बोर्ड गेम्स अवेलेबल हैं, इवन यू कैन ट्राई न्यू गेम्स ऑल्सो, क्योंकि झगड़ा तो वही पुराना रह रहा है, भले ही कितने नए गेम्स हो जाए। झगड़ा आपका भाई बहनों का बड़े होके भी रहता होगा, 100% श्योर हूँ मैं। बस नर्मदा आ गई होगी झगड़ों में, पहले मार पीट के झगड़ा होता होगा, बट अब जो झगड़ा होगा वो वर्बली होगा और बहुत मिठास वाला झगड़ा होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरह से भी अपना जो रक्षाबंधन है उसको बहुत सुपर स्पेशल बना सकते हो। बस टाइम दो अपनी बहन को, अपने भाई को, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइस, रक्षाबंधन पे मिठाई का त्यौहार है रक्षाबंधन, आप मिठाई खिलाते हो एक दूसरे को। तो व्हाट यू कैन डू इज, सिस्टर ब्रदर्स जो भी, मतलब आजकल तो जितने भी भाई भी हैं वो भी एक्स्ट्रा स्मार्ट है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प देयर सिस्टर्स, आप दोनों मिलके कुछ मिठाई बनाओ। अगर नहीं हो सकता तो आप अपनी मदद ही करा दो बहन की किचन में, और बहनें जो होंगी वो अपने भाई के लिए बहुत कुछ अच्छे से होममेड स्वीट के प्रिपेयर कर ले किचन में जाके, एक दिन पहले भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ स्पेशल बना के अपने भाई को खिलाओ, क्योंकि मार्केट से जो मिठाई लेके आओगे उसमें वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। जब आप कुछ स्पेशल डिफरेंट सा, इवन यू कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, आपका भाई डेफिनेटली उसको भी पसंद करेगा, ऐसा नहीं है कुछ बोलेगा वो आपको। तो दैट इज़ अ थिंग यू कैन डू होममेड। अगर आपको नहीं आती है कुछ भी, नई कुछ रेसिपी, मीठी नई रेसिपी आती है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च ऑन, इतने सारे सर्चिंग इंजन्स हैं, यू कैन गो ऑन दैट, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे इतने सारे मिठाइयाँ बनती है, रसमलाई। अभी मैं भी रिसेंटली हाल में कल का जो ब्लॉग देखा था उसमें रसमलाई थी, मैं थोड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट के रसमलाई वगैरह की या किसी भी चीज़ की रेसिपी हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिफरेंट चैनल्स की, इफ़ दे अलाउ मी। तो आप ये भी कर सकते हो, यूट्यूब इज लाइक ओशन, उसमें जो चीज़ फाइंड करना चाहोगे, जो चीज़ सर्च करना चाहोगे आपको मिल जाएगी। तो मिठाई आप घर पे बनाओ, होममेड स्वीट आप घर पे बनाओ, एक अलग ही मज़ा आएगा उसको खाने में, उसमें एक अलग ही मिठास घुली होगी। एंड साथ में जो अगर आप प्रिपेयर करोगे ना अपने बहन के साथ, जो मिठाई बनाने में जो हेल्प करोगे ना, उससे एक अलग ही बॉन्डिंग होगी। अगैन यू आर गिविंग योर इनवैल्यूएबल टाइम टू योर सिस्टर ऑल्सो। तो दिस इज़ द सेकेंड टिप। द थर्ड टिप मैं बोलना चाह रही हूँ, ये थोड़े दिन पहले से आप प्रिपेयर कर लो, दैट इज़ होममेड राखी प्रिपेयर करो। होममेड राखी का कुछ एक अलग ही फीलिंग होती है। वैसे मार्केट ना भरा पड़ा है फैंसी राखी से, इवन उसके पास गोल्ड राखी, चांदी राखी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत फैंसी राखीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल राखीज हैं, बट ये वाली जो राखी होगी जो आप खुद अपने हाथों से बनाओगे, ये कुछ अलग ही फीलिंग देगी आपके भाई को। जस्ट लाइक द होममेड स्वीट, होममेड राखी भी उतनी ही स्पेशल आपके भाई को लगेगी। हो सकता है उसको उतार दे जल्दी और उतार के वो सेव कर ले अपनी जो आपकी राखी है। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं नॉर्मल मार्केट की राखी अपने भाई को बांधती हूँ, बट साथ साथ मैं उसको कलावा ज़रूर बांधती हूँ, क्योंकि राखी जो होती है वो टूट जाती है, वो घिस जाती है, समय के साथ साथ वो डल पड़ जाती है, वो कलावा होता है ना वो जल्दी नहीं निकलता। तो मैं उसको ज़रूर कलावा ज़रूर बांधती हूँ अपने भाई को, उसके बाद मैं राखी बांधती हूँ, क्योंकि कलावा देर तक रहता है। और ऐसा चूज़ करिए जिससे रंग ना उतरे, राखी हमेशा ऐसी दीजिए अपने भाई को जिसमें रंग ना हो, अगर आप घर पर भी बना रहे हैं, इवन अगर आप बाहर से भी खरीद रहे हैं, क्योंकि फाइनली अगर उसमें किसी शर्ट स्पॉइल हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, पसीने होंगे, पानी गिरेगा, रंग लगेगा। तो हमेशा थोड़ा सा टेस्ट कर ले पहले राखी को कि कहीं इस वाली राखी से रंग तो नहीं निकल रहा। कई लोग यू नो मार्केट में ऐसी राखियाँ आती है जिसमें रंग छोड़ देती है अचानक से, तो उसको ज़रूर चेक कर ले आप। ये छोटी सी टिप के साथ एक और टिप मैंने ज्वाइन कर दिया, बट मेरा मेन मकसद यहाँ पे बोलने का, आप स्पेशल राखी बना सकते हो अपने भाई के लिए, होममेड राखी जो होगी इतनी ज़्यादा इलैबोरेट, इतनी ज़्यादा डेकोरेटिव ना हो, इट्स ओके, बट कुछ फीलिंग होगी आप बनाते हुए, इतना प्यार आपको उस राखी पे आएगा, सेम वे बांधते हुए तो भाई को भी उसको बंधवाते हुए प्यार है। व्हाट यू कैन डू टू मेक योर रक्षाबंधन वेरी स्पेशल। अब मेरी जो फोर्थ टिप है, दैट आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हैम्पर्स आ रहे हैं, उसमें फ्रूटी होती है। अब कितने भी बड़े हो जाओ गाइज, आपको जो वो छोटे छोटे पैक्स होते हैं ना खाने के सामान के, ईटेबल के, वो कुछ अलग ही स्पेशल ही लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा है, आपके साथ आई एम 100% श्योर आपके साथ भी होगा ऐसा। बहुत इवन बड़े भी हो जाते हैं ना तब भी मन करता है इस पैकेट में क्या है, इसको खोल के देखें। तो मार्केट में ऐसे ऐसे हैम्पर्स आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर्स आ रहे हैं राखी के स्पेशली, उसमें पूरा टोकरी होती है, बास्केट होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें होती हैं, कुछ बिल्कुल यूनिक चीज़ें भी होंगी, नट्स होंगे, चिप्स होंगे, कोल्ड ड्रिंक होगी, जो आप कई ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप रेगुलर पीते हो, बट उस हैम्पर में वो कुछ अलग ही दिखेगी। तो यू कैन गिफ्ट, मैं अपने भाई के लिए हमेशा एक हैम्पर लेके आती
जाती हूँ वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, बट मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ मैं भी अपनी तरफ से गिफ्ट दूँ। इट्स नॉट लाइक हमेशा भाई को ही अपनी बहन को गिफ्ट देना है, कुछ पैसे देने हैं। आप बहनें भी आजकल इतनी एडवांस हो गई हैं, उनके उनको भी इतना हक इक्वली, दे आर इक्वल विद ब्रदर्स। ऐसा नहीं है बहन कमज़ोर है भाई स्ट्रांग है, भाई ही बहन की रक्षा करेगा, बहन भी रक्षा कर सकती हैं एंड सेम वे बहन भी गिफ्ट दे सकती है, व्हाई नॉट गाइस, क्यों ना दे, है ना, कैपेबल हो, यू आर कैपेबल। और इतना आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दो, इतना महंगा अगर नहीं दे सकते हो तो इट्स ओके, छोटा दे दो। अगर आपके बजट अच्छा है यू कैन गिव द बिगेस्ट बास्केट इन द मार्केट ऑल्सो, उतनी ही फीलिंग आएगी छोटे की भी और उतनी ही फीलिंग आएगी बड़े, कोई भी शेयर करे, सबके साथ शेयर करो आप, इट्स ओके, नो इशूज़ कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, बट इससे एक अलग बॉन्डिंग आती है, एक अलग फीलिंग आती है, फ्रेशनेस आती है बास्केट देखे, गिफ्ट्स देखे। नॉर्मल गिफ्ट तो हर कोई देता है, बट दिस गिफ्ट जो ये गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं ना, ये कुछ अलग ही होते हैं, इनकी अलग ही बात होती है। और ये इससे फेस्टिवल लुक आता भी, जब किसी के घर में या अपने भाई के घर में वो हैम्पर लेके जाओगे ना, एक अलग से फेस्टिवल वाला फीलिंग आएगा। जब कितने भी पैसे दे दो, कितना भी कुछ दे दो, साथ में हैम्पर होता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो शेयर करके खाओ दोनों बैठ के, मैं दूंगी तो डेफिनेटली मैं भी मांगूंगी उससे, तो मुझको ये वाली चॉकलेट दे दे। मैं हमेशा क्या करती हूँ, बचपन हम सब में बड़ों में रहता है तो मैं हमेशा पहले ही सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, बाकी तेरे। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो तो एक अलग फीलिंग आती है। तो और इवन ऑफर्स आ रहे हैं आजकल राखी पे, इस इतने के साथ ये मुफ्त, इसके साथ ये मुफ्त, आजकल पूरा एलैबोरेट करके ब्रांड्स जो होते हैं वो पूरा ऑफर देते हैं, राखी ऑफर, राखी स्पेशल ऑफर। तो आप उससे भी कुछ अपनी बहन के लिए, भाई के लिए परचेज कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई देगा बहन को, बहन भी अच्छे से मना सकती है राखी, बहन भी दे सकती है। भाभियों को राखी बांधती है बहनें, मैं अपनी भाभी है मीनाक्षी उसको बांधूंगी, वो स्वीट सा जो आता है उसको गिफ्ट दूंगी, उसको हैम्पर दूंगी। तो आजकल तो सब रिलेशनशिप को चैरिश करना है, ऐसा नहीं है कि बहन भाई ही कर सकते हैं, भाभी बहन भी कर सकती हैं और बहुत सारा ऐसा। इवन त्रिशिका आई थिंक मेरे पापा को बांधेगी, क्योंकि मैं भी अपने पापा को बांधती हूँ राखी। तो जो ये रिलेशनशिप है ना, ये वाले रिलेशनशिप पापा बेटी वाला और ये सब इक्वल है भाई बहन की तरह, ये भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बहन भाई बनाएंगे, ब्लड रिलेशन ही बनाएंगे। आप अपने दोस्त को जिसको आप भाई की तरह मानते हो उनको भी राखी बांध सकते हो, और बट बांधो तो उसको पूरा चलाओ भी, पूरा लंबा चलाओ, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल छोड़ दिया, एक साल लगा दिया। और अगर आप एनी हाउ अगर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है फ़ोन कर दो, दैट्स इट। फ़ोन भी उतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है, इम्पॉर्टेंस देगा जितना कि आपका पर्सनली जब आप फेस टू फेस जाओगे। एक फ़ोन कॉल विल बी इनफ फॉर द सिस्टर, मान जाती है, बहनें ऐसी नहीं होती है। तो दिस इज इट गाइज, ये छोटा सा था मेरा टिप्स आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को ये जो टिप्स हैं वो अच्छे लगे, हो सकता है आप लोग ये करते भी हों, है ना, बट अगर मैं याद दिला रही हूँ आपको, रिकॉल हो रही है चीज़ें तो, और मेरी बातें सुन के आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज इनफ फॉर मी गाइज। एंड अगर आप ये लोग नहीं करते, ये सब चीज़ें नहीं करते, तो डू फॉलो एंड इस बार करके ये देखो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा आपको, ठीक है। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइज एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू व्यूअर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको खूब सारा शेयर करो, अपने भाइयों में शेयर करो, हो सकता है मेरा सुन के भाई आपके पास और ज़्यादा अच्छे से आ जाए। बहनों में शेयर करो और पूरी फैमिली के साथ शेयर करो इस वीडियो को, व्हाट्सएप पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, बट डू शेयर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी ये वीडियो। और एक बार को हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ इसमें से एक ऐसी चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी जो आप खुद करना चाहोगे अपने भाई बहन के साथ। बाय गाइस।